शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। सखी सखी, तुमने मुझे पुकारा सखी? हाँ सखा, हमें बिमला काकी के बेटे को बचाने का मार्ग मिल गया है। तो बताओ सखी, क्या करना होगा मुझे? कैसे बचेंगे देवी बिमला के पुत्र के प्राण? क्योंकि अर्धरात्रि होने वाली है और मैं अपने भक्तों के द्वारा अर्पित किए हुए माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए अत्यंत आतुर हूँ। सखा, इस समस्या का हल आपके जगन्नाथ धाम में ही है लीलाधर, और आपको वहीं से अपने हृदय की दिव्य स्पंदन की ऊर्जा को लेकर आना होगा, क्योंकि प्रभु आप इस संसार के पालनहार हैं और आपके हृदय की दिव्य ऊर्जा से बिमला काकी के बेटे को जीवन दान मिल सकता है, उसकी नियति बदल सकती है प्रभु, उसके प्राण बच सकते हैं प्रभु, उसके प्राण बच सकते हैं। तुलसी, मैं स्वयं से नियति के नियमों को तोड़ नहीं सकता था, परंतु तुमने मार्ग बताकर मेरे हाथों से नियति को खंडित होने से बचा लिया। अब मुझे तुम्हारी भक्ति और कर्म का फल देना ही होगा। हे लड्डू गोपाल, आप ही पालनहार, आप ही जगतपति, आज सारा संसार उस बालक के जीवन की रक्षा के लिए आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। तुमने मेरी इस जन्माष्टमी को अत्यंत विशेष बना दिया है, क्योंकि तुम्हारे कारण आज मैं युगों पश्चात स्वयं से मिलने जा रहा हूँ। आज तुम्हारे कारण मुझे अपने ही उस दिव्य हृदय के दर्शन होंगे जिसे द्वारिका छोड़कर मैं गोलोक चला आया था, पर जगन्नाथ धाम तक की यह यात्रा मुझे धरती मार्ग से ही करनी होगी, क्योंकि मेरे अनेक भक्त युगों से मेरी इस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो मेरे युगों से चरण धूलि पाने के लिए इस मार्ग में वास करते हुए मेरी भक्ति कर रहे हैं। तुलसी, आज तुम्हारे कारण न केवल देवी बिमला के पुत्र के जीवन की रक्षा होगी, बल्कि मेरे अनेकों परम भक्तों का उद्धार भी होगा। काकी, आप धैर्य रखिए, लड्डू गोपाल आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, हमारा पूरा विश्वास है। तुलसी बिटिया, लड्डू गोपाल के चालीसा का समय हो गया है, आइए हम सब मिलकर उनके चालीसा का पाठ करें। हे लड्डू गोपाल, आज आपकी सखी की भक्ति की प्रतीक्षा है, देवी द्रौपदी की तरह हमारी आस्था की भी लाज रखना। संपत सरकार, कंस की चालीसा आरती क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार, भगवान कंस की महिमा असीमित है, उनकी महिमा अपार है, तो उनके गुणों के बारे में सिर्फ 40 पंक्तियों में तो लिखना संभव है सरकार। मेरी संगति में रहते रहते तुम भी स्मार्ट हो गए हो। जी सरकार। कहाँ है मेरे भगवान? भगवान भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाजी बाजी, भगवान कंस, क्या क्या देखना पड़ेगा इस घर में? ये फाल्गुनी जी, आप एकदम साइलेंट रहिए। देखिए, एमएलए बनने के लिए हम तो आसमान पर भी थान बोते हैं, ना तो सिर्फ अपने बाबूजी की पूजा करनी है ना, तो दिमाग का दही जमाइए और सुख की मलाई खाइए। आइए जी। जी, जय हो, जय हो, जय हो। कृपा करो हे कृपा निधान, जय 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 हे कंस भगवान।
बहुत जल्दी भगवान मान लिया तुमने मुझे। बाबूजी, जिससे होती हो पूरी मन की मुरादे, वही तो भगवान होते हैं। अरे फाल्गुनी जी, आप इंतजार क्या कर रही हैं? पूजा कीजिए बाबूजी की। हाँ बाबूजी, हम भी कितने नादान थे। भगवान जी हमारे सामने थे और हम उन्हें मंदिर में खोज रहे थे। तो भगवान तो सदैव हमारी आंखों के सामने ही होते हैं, सिर्फ सच्चे भक्ति उन्हें पहचान पाते हैं। बोलो कंस भगवान की जय। बोलो कंस भगवान की जय। वो देखो तो और आगे हमारे परम भक्त। इसी तेजी से अगर हमारे भक्तों की संख्या बढ़ती रही तो कुछ ही दिनों में हमारे भक्तों की संख्या भगवान लड्डू गोपाल से भी ज्यादा हो जाएगी। बोलो कंस भगवान की जय। बोलो कंस भगवान की जय। बोलो क्या हो रहा है ये सब? हर चीज की एक हद होती है। आज तो आपने सारी हदें पार कर दी। भगवान की भक्ति नहीं करनी तो ना सही, अब कंस कैसे बन सकते हैं? मैं तो त्रिगुण सोलंकी ही था धर्मपत्नी जी, कंस तो आपने मुझे बना दिया। अच्छा नहीं किया मैंने आपका जन्माष्टमी का व्रत तोड़वाकर। इस पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। चलिए, कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? आपके भगवान लड्डू गोपाल के पास ले जा रहा हूँ। आपको भक्ति का प्रसाद मिलेगा और मुझे मिलेगा मौका दही हांडी फोड़ने का। आला रे आला लड्डू गोपाला, भगवान कंस आला। हे लड्डू गोपाल, एक माता के लाल की रक्षा कीजिए, एक माता की ममता की रक्षा कीजिए। है प्रिय दर्शन परम सुख, है प्रभु दीन दयाल, कृपा सिंधु करुणा निधि तेरा हृदय विशाल। है प्रिय दर्शन परम सुख, है प्रभु दीन दयाल, कृपा सिंधु करुणा निधि तेरा हृदय विशाल। तू प्रियतम की प्रीत है माताओं का लाल, निर्धन की तू संपदा जय लड्डू गोपाल। मैं साधु युगों युगों से यहाँ तपस्या कर रहा था, मेरा शरीर तो नष्ट हो चुका था। आज आपके कारण मेरी आत्मा को मोक्ष मिल गया है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हे तारणहार लड्डू गोपाल, द्वापर युग में मैं एक असुर थी। आपने मुझे श्राप देकर एक वृक्ष बना दिया था। मैं युगों से अपने कर्मों का दंड भोग रही थी, पर आज आपने अपना स्पर्श देकर मेरा उद्धार कर दिया है। जय हो लड्डू गोपाल। मेरा बेटा,
उसी मेरा बेटा। देखो ये होश खो रहा है। कैसे हो सकता है, बच्चे की दिल की धड़कन सच में सुनाई नहीं दे रही। लड्डू गोपाल, हमने बिमला काकी को वचन दिया था कि उनके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें अपनी भक्ति पर विश्वास था, अपने लड्डू गोपाल पर, अपने सखा पर विश्वास था, और हम अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपने विश्वास को हारने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। लड्डू गोपाल कहाँ हैं आप? आज आपको इस बालक के प्राण बचाने ही होंगे। लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, बजने को है। यदि लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव से पहले ये बालक ठीक न हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हे जग के नाथ भगवान जगन्नाथ, मेरे युगों से आपके दर्शन करने की इच्छा थी और वह सौभाग्य मुझे मिला है मेरी परम भक्त तुलसी के कारण। किंतु तुलसी के वचन की रक्षा के लिए, उसकी भक्ति की रक्षा के लिए मुझे आपके हृदय की उस दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता है जिसके द्वारा इस संसार में प्रत्येक हृदय स्पंदन कर रहा है। हे जगन्नाथ, मुझे वो दिव्य ऊर्जा प्रदान करने की कृपा करें। शीघ्र उस बच्चे के हृदय में प्रवेश करना ही होगा। देखो हमारा बेटा ठीक हो गया। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। लड्डू गोपाल ने हमारे बेटे पे कृपा कर दी। तुलसी, तुम्हारी वजह से मेरी गोद जड़ने से बच गई, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल गई। हमने कुछ नहीं किया, जो किया है हमारे लड्डू गोपाल ने किया है, और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपकी ममता, आपके विश्वास, आपकी भक्ति का फल है। इसलिए प्रेम से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, लड्डू गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, लड्डू गोपाल की।
इसकी ये मुस्कान ना अंतरात्मा की मुस्कान है, लड्डू गोपाल की विशेष कृपा है इसके ऊपर। अब आप देखिएगा, कोई रोग शोक ना इसे छू भी नहीं सकता। तुलसी, तुम्हारे कारण ही हमें भक्ति की शक्ति का एहसास हुआ है। अब मैं भी अपने घर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की स्थापना करूंगी और प्रतिदिन उनकी पूजा करूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। जय लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल, अति गोपाल की जय, लड्डू गोपाल की। हे लड्डू गोपाल, आज इस बालक का जीवन बचाकर आपने जो उपकार और परोपकार किया है उसे आपकी ये सखी कभी नहीं भूलेगी। जगन्नाथ धाम में आज भी वास्तविक रूप में मेरा हृदय वास करता है और उसके स्पंदन से ही संसार का हृदय स्पंदन करता है। इसलिए जो कोई भी भक्त जगन्नाथ धाम के दर्शन करता है वो तन मन और हृदय के सभी विकारों से दूर रहता है। तुलसी बिटिया, लड्डू गोपाल ने अपना वचन पूर्ण कर दिया है। जन्मोत्सव का समय भी शुरू हो रहा है, अब तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रही हो? हाँ तुलसी, अपने लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगा दो, अभी लगाते हैं। सखा, ये हमने अपने हाथों से बनाया है माखन मिश्री का भोग, इसे तो आपको साक्षात ग्रहण करना होगा। मैंने आपको जो यशोदा मैया की सौगंध दी थी उससे आपको मुक्त करती हूँ। अब भक्त का आदेश है तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा। वैसे भी जब से तुमने मुझे न्योता दिया है तब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं अपने प्रिय माखन मिश्री की। लड्डू गोपाल, आज आपने संसार में सिद्ध कर दिया है यदि भक्त सच्चे मन और पूर्ण आस्था के साथ आपको पुकारे तो आप उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुलसी, ये सब तुम्हारी भक्ति और कर्म से हुआ है, मैंने तो केवल तुम्हारा साथ दिया है। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।